हेलो वेलकम बैक टू द हेम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज है 16x57, यानी कि जो इसका फ्रंट है वो है 16 फुट 2 इंच और जिसकी डेप्थ है वो है 57 फुट, यानी कि गहराई जो है वो है 57 फुट और जो इसका फ्रंट है वो है 16 फुट 2 इंच। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 BHK सेट, KIT लॉबी ओपन लो, टॉयलेट और एक बेडरूम भी होना चाहिए। नहीं बल्कि इनकी रिक्वायरमेंट सॉरी 2 BHK सेट, मैंने आपको 1 BHK गलत बता दिया है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, यानी कि पहली मंजिल का प्लान। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ से अब ऊपर। ऊपर आने के बाद और जब यहाँ से हम ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने के बाद ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमने खाली छोड़ा हुआ है और ये है हमारा इसके सामने ओपन बिलो, यानी कि बिल्कुल ओपन ही हमने छोड़ा हुआ है। ये जो ओपन छोड़ा है इसकी जो ब्रेथ है वो है 14 फुट 4 इंच इसकी ब्रेथ है। तो उसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका टॉयलेट का सिस्टम। ये रहा इसकी टॉयलेट, ये रहा हमारे टॉयलेट का डोर और हमारे टॉयलेट का साइज़ है 3 फुट 4 इंच बाय 8 इंच की हमने टॉयलेट बनाई हुई है, यानी कि 3 फुट 4 इंच बाय 8 फुट की टॉयलेट है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने KIT और लॉबी की तरफ। हम यहाँ एंटर करेंगे तो ये जो जगह स्पेस हमने छोड़ी है ये है हमारी लॉबी और हमने इस लॉबी का साइज़ दिया है 9 फुट 3.5 इंच बाय 9 फुट 10 इंच की हमने ये लॉबी बनाई हुई है। अब बात करते हैं अपने KIT की। ये रहा हमारे किचन का डोर और यहाँ से करते हैं हम अपने किचन में एंटर। और हमारे जो किचन का साइज़ है वो जो हमने दिया है वो दिया है हमने 5 फुट बाय 9 फुट 10 इंच। आप देख सकते हैं 5 फुट बाय 9 फुट 10 इंच का हमने ये किचन बनाया हुआ है और जिसकी शेल्फ है वो हमने दी है एल साइज़ की। और अगर बात करें इसकी वेंटिलेशन की, यानी कि जो हवा का सिस्टम होगा इस किचन में वो कहाँ से होगा, तो उसके लिए हमने लगा दी है यहाँ पर छोटी सी विंडो ताकि यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहे। चलिए अब चलते हैं हमने बेडरूम की तरफ। तो हमारा पहला बेडरूम हो चुका है, ये रहा हमारा पहला बेडरूम, ये रहा हमारा पहला बेडरूम का डोर। यहाँ से करते हैं पहले बेडरूम में एंट्री और इस बेडरूम का साइज़ दिया है हमने 10 फुट 7 इंच बाय 16 फुट 3 इंच का हमने ये बेडरूम बनाया हुआ है। और इस बेडरूम में हमने दो डोर दिए हैं, पहला डोर ये रहा और दूसरा डोर ये रहा। अब बात करते हैं इसकी वेंटिलेशन की, यानी कि इसका हवा का सिस्टम कहाँ से होगा, वेंटिलेशन कहाँ से होगा इसका। तो उसके लिए हमने इस डोर के राइट और लेफ्ट साइड में बना दी है विंडो ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारे दूसरे बेडरूम का डोर और यहाँ से करते हैं अपने दूसरे बेडरूम में एंट्री। और हमने दूसरे बेडरूम का साइज़ दिया है 14 फुट 8 इंच बाय 12 फुट 10 इंच हमने इस बेडरूम का साइज़ दिया हुआ है। अगर बात करें हम इसकी वेंटिलेशन की, तो उसके लिए लगा दिए हमने यहाँ पर विंडो ताकि इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो अगर आपका भी साइज 16x57 है या फिर कुछ और है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, या फिर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आपका फ्लोर का साइज़ कुछ और है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसको फुलफ़िल करके सेंड कर देंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।